ये क्यों किया जा रहा है? एक सांसद को बचाने के लिए। हम बार बार ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार इस तरह से नतमस्तक है। गंभीर आरोप लगे हैं, पॉक्सो तक का आरोप लगा है। आप हटिए अपने पद से, जांच होने दीजिए और फिर पद पर वापसी करिएगा। ऐसा कौन सा मोह है प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का बृजभूषण शरण सिंह से? कौन सी उनकी अंदरूनी राजनीति है जिससे बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपियों का करते हैं। हम क्यों ना ये कहें कि ये बेटी विरोधी सरकार है? वो बेटी चाहे इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी हो या इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े हुए ये क्यों पाए जाते हैं? क्यों मोदी जी आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक अपील नहीं कर पाए इन बेटियों से? क्यों मोदी जी न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को ये विश्वास, ये ढांढस नहीं बंधा पाते कि आपके साथ न्याय होगा? आज बेटियां खुलकर कह रही हैं, हम करें तो क्या करें, हमारी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है। और अब जो गंगा अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, हम उसी में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं। ये सच कहा है उन्होंने, गंगा अपने आप में पाप और पुण्य दोनों को समाहित करती है। पुण्य उन बेटियों का, लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के।